अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने चैनल हाशमी अमलियात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मार्फत की दुनिया के, मार्फत के समंदर के ऐसे वली हैं जिनको इस जहाँ में इब्नुल अरबी सानी भी कहा जाता है, और आपको जो विलायत मिली वो खिदमत से मिली, इसलिए आपको मखदूम भी कहा जाता है। आप मुंबई की सरजमीन के बादशाह हैं, आप कुतुब कोंकण हैं, और आपका चाचा मुंबई की गली गली में और हिंदुस्तान की गली गली में है। इल्म ज़ाहरी, इल्म बातनी और इल्म लदूनी के माहिर रहे। आपके आस्थाने पे आज भी नूर बरसता है, जिनका नाम है हज़रत मखदूम फकी अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह महीनी। आपकी मज़ार मुबारक मुंबई में माहिम की सरजमीन पर मौजूद है, जो समुंदर के किनारे, दरिया के किनारे हैं। आपकी मज़ार का खूबसूरत नज़ारा है, सामने बुलंद दरवाज़ा है, और शजरा नसब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत अली मौलाए कायनात मौला अली के भाई हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपके यहाँ कई करामात भी ज़ाहिर हुए हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है ये मज़ार। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। मखदूम अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह उन बुज़ुर्गों में से हैं जो इल्म की दुनिया के बादशाह रहे, जिनको मार्फत में, तरीक़त में एक अलग ही मुकाम अल्लाह ने अता फरमाया। इस दरगाह से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और मुझे इस दरगाह से बहुत फैज़ मिला है, इसलिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, जिससे लोग इस दरगाह पर आकर फैज़ हासिल करें और अल्लाह से उनके वली के तोहफ़े में अपनी मुरादें मांगें। हज़रत मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान तिजारत के सिलसिले से अरब से इंडिया आया, और आपके वालिद मोहतरम ताजिर थे, कल्याण में रहते थे। कल्याण में ही मखदूम शाह बाबा की विलादत हुई। 10 मुहर्रम को आपकी विलादत हुई। आपने बचपन में ही हाफ़ज़ा किया और इल्म ज़ाहिरी सीखा। उसके बाद आप इल्म सीखने के लिए अरब जाना चाहते थे, और वालदा से आप बार बार जाने का कहते थे, पर वालदा अकेली थी इसलिए आपकी वालदा ने जाने नहीं दिया। जब आप हैरान परेशान हुए और आपकी वालदा ने अल्लाह से दुआ की कि कोई ऐसा ज़रिया अल्लाह पाक यहीं मुंबई में बना दे कि मेरा बेटा इल्म सीख सके, तो हज़रत मखदूम अली शाह बाबा समुंदर के किनारे जाते थे घूमने। एक बार फजर के बाद जब आप समुंदर के पास तशरीफ़ ले गए, तो आपको एक बुज़ुर्ग बैठे हुए मिले। आपने उनसे सलाम अर्ज़ किया, तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें इल्म सिखाने आया हूँ और मैं खिज़र हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपको इल्म लदूनी अता फरमाया। इसी तरह आपका सिलसिला चलता रहा, और आप वक्त के बहुत बड़े बुज़ुर्ग बने। आपको गुजरात के सुल्तान ने मुंबई का काजी भी बनाया। आपने अपने हाथ से कुरान पाक लिखा हुआ है। बचपन का एक वाक्य आपका ये है कि आपकी
एक बकरी थी जिससे आप मोहब्बत करते थे, उस बकरी का इंतकाल हो गया। वालदा मोहतरम ने वो बकरी समुंदर के किनारे डाल दी। जब आपको पता चला तो आप बहुत रोए और रोते हुए समुंदर के किनारे पहुँचे और कुछ इल्म पढ़ के अल्लाह से दुआ की और बकरी से कहा उठ, तो बकरी उठकर खड़ी हो गई। जब लोगों ने ये नज़ारा देखा तो लोग आपकी विलादत को समझ गए कि ये अल्लाह के वली हैं। एक बार आपकी वालदा ने पानी मांगा और वालदा की नींद लग गई। आप रात भर पानी लेकर खड़े रहे। जब वालदा की आँख खुली तो वालदा ने देखा और वालदा बहुत रोई और अल्लाह से उसी वक्त दुआ की और आपको विलायत मिली। माँ की दुआ से ही आपको अल्लाह मिला और अल्लाह के रसूल मिले। इसी तरह से कई और भी करामात हैं। अभी कुछ दिन पहले समंदर के किनारे जहाँ खिजर अलैहिस्सलाम का चिल्ला बनाया, वहाँ पानी जो खारा पानी है समंदर का अपने आप मीठा हो गया था। मीडिया वगैरह पे भी बहुत बात चली लेकिन कोई इसके बारे में बता नहीं पाया कि क्या था। बस यही है कि ये मखदूम अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की करामात में से एक करामात थी। जो भी लोग जाते हैं उनको बड़ा सुकून मिलता है। और ये भी कहा जाता है कि जो कोई ऊपरी चक्कर से परेशान है, शैतान से जिन्नात से परेशान है, तो वो बड़े दरवाजे से जाए और छोटे दरवाजे से बाहर निकले दरगाह में से होते हुए, तो इंशाल्लाह वो बलाएं दूर हो जाती हैं। मुंबई में आपकी हुकूमत है, मुझे भी आपकी बशारत हुई थी जब मैं बहुत परेशान था। मेरा काम अमलियात का काम शुरू शुरू था जब बशारत हुई थी। ख्वाजा गरीब नवाज़ मुझे इस दर पर लेके आए थे और वो ख्वाब मेरा पूरा हुआ। मैं इस दर पे आया, इस दर के माहिम के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। जब मैं आया तो मुझे एहसास हुआ मेरा ख्वाब भी पूरा हुआ और मेरी ज़िंदगी भी अल्लाह पाक ने मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से बदल दी। तो आप लोग भी इस दरगाह पे आइए और जो लोग मुंबई में रहते हैं वो तो ख़ास तौर पे आइए। और मुंबई से मेरा एक अलग ही लगाव है, मुंबई से मोहब्बत है। मुंबई के लोगों में मैंने वफ़ादारी भी देखी है और हर महीने में मुंबई आता हूँ। मुंबई सबसे ज़्यादा मुरीद, सबसे ज़्यादा मरीज़ मेरे बॉम्बे में ही है और जब भी आता हूँ तो मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी ज़रूर देता हूँ। उनका बुलावा आता है और मैं आता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ आइए और यहाँ का फेस देखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।